बॉलीवुड की फिल्मों में रुपहले पर्दे पर डांस को जीवित करने वाले अभिनेताओं में से एक है जितेंद्र, जिसने अपने डांस से लाखों हसीनाओं का दिल जीत लिया था। 7 अप्रैल को जन्मे जितेंद्र को बचपन से ही फिल्मों का शौक था। ये बिल्कुल झूठ नहीं है कि अभिनेता को उनका पहला ब्रेक उनके पिता की सिफारिश पर वी शांतारामा ने दिया था। हालांकि डेब्यू करने के 5 साल बाद उन्होंने इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल किया जिसने हर किसी को उनका दीवाना बना दिया। लाखों लड़कियों की पहली पसंद बन चुके जितेंद्र का दिल यूं तो अपनी पत्नी शोभा के लिए धड़कता था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब उनके अफेयर की अफवाह श्रीदेवी संग उड़ी थी। बात इतनी बिगड़ गई कि शोभा के सामने जितेंद्र को अपनी सच्चाई के लिए सबूत तक पेश करने की नौबत आ गई थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ ये आगे पता लगेगा। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देकर सिनेमा की दुनिया में छा जाने वाले जितेंद्र की जोड़ी उस जमाने में जयाप्रदा और श्रीदेवी के साथ जमती थी। हालांकि लोग जंपिंग जैक को श्रीदेवी के साथ देखना ज्यादा पसंद करते थे। फैंस के चाहत को ध्यान में रखते हुए हर निर्माता निर्देशक श्रीदेवी और जितेंद्र को कास्ट करना चाहता था। हिम्मत वाला, जानी दोस्त और जस्टिस चौधरी जैसी कई हिट फिल्मों में इश्क लड़ा चुके जितेंद्र और श्रीदेवी के रियल लाइफ रोमांस की खबरें एक फिल्म की शूटिंग के दौरान आने लगी थी। ये फिल्म और कोई नहीं बल्कि साल 1983 में आई हिम्मत वाला थी। खबरें उड़ने लगी कि दोनों शूटिंग के दौरान साथ रहते थे। जैसे जैसे इन खबरों ने हवा पकड़ी और शोभा के कानों तक पहुंची, फिर जो हुआ वो जितेंद्र की बसी बचाई गृहस्थी को तोड़ कर रख सकता था। बॉलीवुड के लियारों में जब ये अफवाह जंगल में आग की तरह फैलने लगी कि जितेंद्र का दिल श्रीदेवी की गिरफ्त में है, तो शोभा के दिल की धड़कने तेज हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे शोभा और जितेंद्र के बीच दिक्कतें बढ़ने लगी। एक समय ऐसा आया कि जितेंद्र बहुत परेशान हो गए और उन्होंने श्रीदेवी को सीधा शोभा के सामने पेश कर दिया। जी हाँ, जितेंद्र एक दिन श्रीदेवी को अपने घर ले गए और शोभा से उनका सामना कराया, तब कहीं जाकर उनकी पर्सनल लाइफ पटरी पर लौटी। इस तरह जितेंद्र ने श्रीदेवी को सौतन मान बैठी शोभा को एक सहेली दे दी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।